अगर आप सही हो तो कुछ भी साबित करने की कोशिश मत करो, बस सही बने रहो। गवाही वक्त खुद देगा। मैदान से हारा हुआ इंसान जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। जब तक किसी काम को किया नहीं जाता तब तक वो असंभव लगता है, लेकिन जब उस काम को आप कर दोगे ना, उसके बाद लगेगा कि हर कुछ संभव है, क्योंकि हर कुछ इंसान ही करता है, कोई दूसरा आकर नहीं करता है। आपका काम केवल आपका काम है, वो कोई दूसरा नहीं करेगा। इसलिए समझो, अपने काम पे ध्यान दो। शेर छलांग मारने के लिए एक कदम पीछे लेता है। इसी तरह जब जिंदगी आपको पीछे धकेलती है तो कमर कस लें, क्योंकि जिंदगी आपको एक ऊंची छलांग देने के लिए तैयार है। इंतजार करने वालों को वही मिलता है जो कोशिश करने वाले छोड़ जाते हैं। आप क्यों बैठे हो, क्यों समय बर्बाद करते हो? आप क्यों नहीं समझते हो कि आपको भी कुछ ना कुछ करना है, आपको भी कुछ बड़ा करना है? एक व्यक्ति अपने दिल से बहुत हार चुका था, वो मन से हार चुका था। वह परेशान होने के बाद एक गुरुजी के पास गया और बोला, गुरुजी मैं जब भी कुछ करता हूं तो मैं हार जाता हूं, क्या करूं मैं? गुरुजी ने उन्हें एक शेर सुनाया था। गुरुजी बोले थे कि हौसले के तरकस में उम्मीद का वो तीर जिंदा रखना, हार जाओ जिंदगी में चाहे सब कुछ, मगर जीतने की उम्मीद जिंदा रखना। हार क्यों जाते हो, क्यों मन से हार जाते हो? अरे करो ना, काम पे ध्यान दो, मेहनत पे ध्यान दो। मेहनत करोगे तो सफलता तो तुम्हारे कदमों में होगी। कठिन समय में कायर लोग बहाना ढूंढते हैं, लेकिन समझदार लोग रास्ता ढूंढते हैं। बुरे वक्त में कुछ लोग खुद टूट जाते हैं और कुछ रिकॉर्ड तोड़ते हैं। तो आपको क्या करना है, ये तो आपके हाथों में है। संघर्ष में आप भले अकेले रहोगे, पर याद रखो कि सफलता में हर कोई आपके साथ होगा। इसीलिए मैं समझता हूं कि तुम्हें भी सफलता जरूर पसंद होगी। तुम भी सफल जरूर होगे, लेकिन कब? जब तुम मेहनत करोगे। जब लोहे का काम करके कोई टाटा बन सकता है, जूते का काम करके कोई बाटा बन सकता है, तो फिर तुम क्यों निठल्लों की तरह बैठे हुए हो? अपने काम पे ध्यान दो, लगन और जुनून के साथ अपने काम पे ध्यान दो। सफलता तो तुम्हारे कदमों में होगी, सफलता तुम्हारे आगे होगी, सफलता तुम्हारे पॉकेट में होगी। बस इतना ही।